हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? गाइस, मैं जेपी निजेबड़ दिल्ली से। गाइस, ये जो एनटोर की वायरिंग से रिलेटेड है, उसका ये वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। पहले पार्ट में हमने क्या क्या बताया है, क्या क्या कवर किया है, उसके बारे में बताता हूँ थोड़ा। हाँ, और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे विनती है, आई बटन में उसका लिंक आ जाएगा, वो जाके आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने पूरा FI सर्किट का समझाया हुआ है। जो अपने एक्चुएटर हैं उसके बैटरी वोल्ट कहाँ से जा रहे हैं, हैंडल लॉक के तार कहाँ से जा रहे हैं, मतलब पूरा प्रॉपर वायरिंग डायग्राम समझाया हुआ है। आपने वो नहीं देखी तो ये वीडियो आपके समझ में नहीं आएगी। और आप स्टार्टिंग से ये वीडियो देख रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो ना देखें, पहले फर्स्ट पे जाएँ तब सेकेंड में देखना, इस पार्ट पर आना, ठीक है? तो गाइज, इस पार्ट में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसमें हम अपना हॉर्न, इंडिकेटर, MI मीटर की जितनी भी लाइटें हैं वो, बैटरी चार्ज अपना के चार्जर जो मोबाइल चार्जर है वो, मतलब ये जो सर्किट है कैसे, इंडिकेटर, हॉर्न, सेल्फ स्विच का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसका प्रॉपर खोल के अच्छी तरह चेक करके दिखाऊंगा, तो ठीक है गाइज? तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और हाँ गाइज, अगर आप मेरे ट्रेनिंग सेंटर में आना चाहते हो, मैं बेसिक सी ट्रेनिंग करता हूँ हर मंथ। तो गाइज, मेरा जो सेकेंड बैच स्टार्ट होने जा रहा है उसकी डेट है 26 अक्टूबर, अभी सितंबर चल रहा था, 26 अक्टूबर को अगर आपने आना चाहते हो, यहाँ ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी एक वीडियो बन जाएगी कैसे उसमें एंट्री करनी है, वो या आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर लेना, ठीक है? तो फटाफट जाओ और उसमें जो बताया हुआ है मैंने प्रोसीजर फॉलो करो, और हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, ठीक है? तो बिना टाइम के वेस्ट करे हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। अब गाइज, बात करते हैं अपना लोड शूज़। लोड फ्यूज से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लोड फ्यूज से कहाँ पे आया हुआ है अपने बैटरी, लोड फ्यूज आया हुआ अपना 15 एम्पियर जो फ्यूज़ है, जो ये फ्यूज़ है देखो, इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैंने बताया था आपको रेड और वाइट तार आया था वीडियो स्टार्टिंग में, तो लोड फ्यूज वाला इसके साथ वाला ही हो रहा, तो अंदर कंपनी ने कर दिया था रेड और ब्लू, और दूसरा जो तार है यहाँ से जो निकला है वो निकला है ऑरेंज, ये ऑरेंज, ठीक है? तो ऑरेंज कहाँ कहाँ गया, अगर ये लोड डिफ्यूज ख़राब होता है तो इससे क्या क्या इफेक्ट आएंगे आपके लोड डिफ्यूज से। ये अपने जो रिले है गाइस, ये रिले है, इस रिले की स्मॉल पिन और एक बिग पिन, उस पर इस साइड बात करें हम, ये देखो एक स्मॉल पिन, ये छोटी पिन होती है, और एक बड़ी पिन मान लो ये वाली, इन दो तार पर यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर बैटरी के प्लस आए हुए हैं इस पे। कहाँ से आया हुआ है, ये लोड फ्यूज से, जैसे हमने इसको निकाल देंगे तो यहाँ बैटरी के वोल्ट आने बंद हो जाएंगे, वो दिखा भी देता हूँ मैं आपको एक बार। ये हमने करा, ये यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर लगाया, और जैसे मैंने इस पर लगाया देखो 12 वोल्ट दिख रहे हैं आपको, और जैसे लोड फ्यूज निकाल दिया 0 हो गया। तो जो रिले है, लोड रिले बोलते हैं इसको, रिले को प्लस कौन दे रहा है, लोड फ्यूज से आ रहा है, और इसका जो छोटा तार ये है अपना रेड और ऑरेंज, जो स्मॉल पिन एक और ये रिले, ये कहाँ से आ रहा है, ECU से ग्राउंड छोड़ता है, ECU से ही ऑन होती है ये लोड रिले, जैसे ECU से ऑन होगी तो इसका बैटरी का करंट घूम के इस ऑरेंज से इसमें जाएगा, ऑरेंज पे ग्रीन इस तार में जाएगा करंट आउटपुट, और इससे क्या क्या ऑन होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। इससे गाइज हमारा ऑरेंज ग्रीन से होगा फ्लैशर, हॉर्न स्विच, हॉर्न के स्विच पे ग्राउंड, यहाँ हॉर्न पे क्या है, ग्राउंड है डायरेक्ट, ब्लैक और वाइट, ये ग्रीन वायर तक कहाँ से आया, ये हॉर्न स्विच से आया, लेफ्ट हैंड के स्विच से, यहाँ बैटरी के हॉर्न के स्विच में जाएगा साथ में, वहाँ से जैसे बटन प्रेस करेंगे ये हॉर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है? ये एक तो कभी भी रिले ये काम छोड़ जाएगी तो आपका सेल्फ भी काम नहीं करेगा, ये रिले काम नहीं, ये देखो इंडिकेटर स्टार्ट अच्छा हो गया चलना, अगर मैं इंडिकेटर की बात करूं, देखो इंडिकेटर चालू हो रहा है, और जैसे ये निकालूंगा देख बंद हो गया इंडिकेटर, इससे सेल भी नहीं चलेगा, जैसे ये मैंने लगा रहा हूं, अगर बड़ी दबाना एक बार आगे देखो चल रहा है, और इसको हटाऊंगा देखो स्लिप हट गया। अब तो कभी आपने सेल्फ चेक करना, सबसे पहले जो स्विच है वो चेक करना है, अगर बैटरी प्रॉपर ठीक है तो ठीक है, वहाँ वोल्ट चेक करने, अगर वोल्ट वहाँ नहीं आ रहे स्विच पे बैटरी के 12 वोल्ट, तो आपने क्या करना है, ये फ्यूज़ जो लोड जड़ा फ्यूज ये चेक करना है, ये चेक करना है, ठीक है? तो ये चेक करना है सेल्फ में, और फ्लैशर इंडिकेटर फ्लैशर पैर जो है, ये फ्लैशर कहाँ गया, ये यहाँ पे था कहाँ गया, ये रहा
इस पर जो वोल्ट मिलते हैं बैटरी के, सॉरी ये देखो ऑरेंज पे ग्रीन, ये आउट है रिले से, चार पिन की जो रिले है उसका ये तार है, ये यहाँ पर आया बैटरी के वोल्ट ऐसे घूम के, इस पर भी गया हॉर्न स्विच पे, ब्रेक स्विच पे गया, हॉर्न स्विच ब्रेक स्विच पे गया, ठीक है, और ब्रेक स्विच पे भी गया रहा, हॉर्न स्विच पे भी गया गाइस, ठीक है, और कहाँ गया, हॉर्न स्विच आया नंबर प्लेट लाइट पे, MIL इकोनॉमी मोड, मीटर में जितनी भी बैटरी वोल्ट चाहिए मीटर में, जैसे इकोनॉमी मोड है, मोबाइल चार्जिंग है, मोबाइल चार्जिंग है उसमें भी वोल्ट यहीं से मिल रहे हैं, ठीक है, फ्यूल फ्यूल मीटर है फ्रंट पर, और गया फ्यूल फ्रंट के और रियर के ब्रेक स्विच पे, जैसे हम ब्रेक मारते हैं जो लाइट जलती है वो उसी से जलती है, ठीक है, तो हो गया। तो गाइस ये यहाँ तक का सर्किट था जो अपना ऑरेंज प्लस ग्रीन, ये कहाँ कहाँ गया मैंने आपको दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, कहाँ कहाँ गया, ये फ्लैशर, हॉर्न स्विच, नंबर प्लेट लाइट, MIL लाइट, इकोनॉमी मोड, मोबाइल चार्जिंग, टेल लाइट, फ्यूल फ्यूल मीटर, फ्रंट और रियर ब्रेक स्विच, ठीक है गाइज। तो यहाँ तक का हमारा कवर हो गया। मान लिया आपका कभी भी ऐसी दिक्कत आती है, जैसे सेल्फ का तो बताएंगे, अभी कभी आपका ऐसा लग रहा है आपको फ्लैश इंडिकेटर काम नहीं करे, तो सबसे पहले अपने इंडिकेटर स्विच चेक करना है, वहाँ वोल्ट आ रही नहीं आ रहा, या फ्लैशर चेक करना है, तो फ्लैशर पर आपने सीधा क्या चेक करना है, इस तार में वोल्ट आनी चाहिए बैटरी के ऑरेंज प्लस ग्रीन में, इसमें वोल्ट आ रहे हैं तो आपका जो ये तार है, जो अपना ये लगा लास्मान निकल रहा तार है, ये जाएगा अपने इंडिकेटर स्विच के सेंटर में, तो मैन यहाँ ब्लिंकिंग जो करेगा, यहाँ से हो रही ब्लिंकिंग फ्लैशर के थ्रू, और इस तार में वो बैटरी के वोल्ट इनपुट होंगे, आउटपुट इसमें है जो बार बार ब्लिंक करती हैं इंडिकेटर, जो फ्लैशर के थ्रू होते हुए आते हैं, ठीक है, और मीटर में भी जितनी भी लाइट है, मैंने बताया था मीटर में जितनी भी लाइट है सारी, इकोनॉमी मोड लगा लो, MIL लगा लो, या मोबाइल चार्जिंग काम नहीं कर रहा तो वहाँ पर बैटरी के प्लस हैं, मोबाइल चार्जर देखिए इसमें है क्या यहाँ पर, तो गाइस ये अपना मोबाइल चार्जर की सॉकेट है, इसमें देखो ऑरेंज प्लस ग्रीन, मतलब मोबाइल चार्जर का भी जो तार है यहाँ पर आया हुआ है, तो कभी ये काम नहीं करता था, अपना 10 एम्पीयर का फ्यूज चेक करना है, रिले के तार वहाँ चेक करना है, ठीक है, तो ये हो गया।